साई एक बार फिर से हर तरफ खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं। वो जो है नागिन 6 में रश्मि की एंट्री। बल शो में पहले अपने किरदार शिंग्रिला से रश्मि ने खूब तबाही मचाई और अब शराका बनकर महाशेष नागिन प्रथा का साथ दे रहे हैं। वह नागिन 6 की कहानी में रश्मि का किरदार एक दोस्त, एक मददगार और रक्षक के तौर पर अब नजर आ रहा है और तेजा और रश्मि को फैंस पहले ही बिग बॉस में एक साथ देख भी चुके हैं। लेकिन अब नागिन 6 का हिस्सा बनने के बाद पहली बार रश्मि ने तेजस्वी से अपने रिश्ते पर खुलकर बात की है और तो और तेजस्वी के सर्वश्रेष्ठ नागिन के किरदार पर भी काफी कुछ कहा। जी हाँ, पहली बार रश्मि ने दिल खोलकर तेजस्वी से अपने रिश्ते और उनके किरदार पर कुछ कहा है। रश्मि देसाई ने कहा कि वो तेजस्वी प्रकाश द्वारा सर्वश्रेष्ठ नागिन की भूमिका निभाने से बहुत प्रभावित है। रश्मि कहती हैं, तेजस्वी और मैं बिग बॉस 15 पर एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे। अब हम नागिन 6 के सेट पर काफी अच्छी तरह से बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। वो एक समर्पित और मजेदार इंसान है और बिग बॉस कनेक्शन हमें इसमें मदद कर रहा है एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना। तेजस्वी वास्तव में सर्वश्रेष्ठ नागिन के रूप में प्रशंसनीय है और उन्हें इस किरदार में इतना अच्छा करते हुए देखना काफी प्रभावशाली भी। सिर्फ यही नहीं, रश्मि ने यह भी कंफर्म किया है कि उनकी एंट्री नागिन 6 में आगे जाकर कई दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। पर भले ही नागिन 6 के बीते एपिसोड में शिंग्रिला का खात्मा हो चुका है, लेकिन अब शलाका के रूप में रश्मि आगे शो में क्या कमाल करेंगी ये देखने वाली बात होगी। आपको बता दें कि रश्मि और तेजस्वी को एक साथ नागिन 6 पर देखकर लोग काफी खुश हैं और फैंस आने वाले ट्रैक में इन दोनों नागिनों को साथ देखने के लिए काफी बेताब भी नजर आ रहे हैं। फैंस इस बात के लिए काफी एक्साइटेड हैं कि आखिर कैसे शराका की एंट्री के बाद असुरों का विनाश होगा और कैसे दूर होगी देश में फैली महामारी भी।